भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भारतीय हस्तशिल्प एक बार फिर देश और विदेश के कला प्रेमियों के सामने लखनऊ में प्रस्तुत होने जा रहा है। ग्रामश्री संस्था की पहल क्राफ्ट रूट्स के माध्यम से आयोजित यह अनूठी प्रदर्शनी 15 नवंबर 2024 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक सफ़ेद बारादरी कैसरबाग में शुरू हो रही है। क्राफ्ट रूट्स के द्वारा आयोजित 5 दिनों तक चलने वाली यह प्रदर्शनी भारत के हर कोने की कला और हस्तशिल्प की अद्वितीय छटा प्रस्तुत करेगी, जो लखनऊ के लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव बनेगी। ग्रामश्री संस्था, जिसकी स्थापना गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 1995 में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामश्री संस्था अब तक 75,000 से अधिक महिलाओं को उनके हस्तकला कौशल के माध्यम से स्वावलंबी बनाने में सहयोग दे चुकी है, जिससे उन महिलाओं के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामश्री संस्था का विस्तार क्राफ्ट रूट्स है, जो 2008 में अस्तित्व में आया था, तथा क्राफ्ट रूट्स का उद्देश्य भारत की पारंपरिक और सांस्कृतिक कलाओं को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। क्राफ्ट रूट्स के अभियान के तहत कई पीढ़ियों से अपनी कला को संजोए हुए कारीगरों को अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और यह उनकी आजीविका का भी सशक्त माध्यम बनता है। अब तक क्राफ्ट रूट्स ने भारत के कई महानगरों सहित दुबई, अमेरिका तथा सिंगापुर जैसे देशों में कुल 77 प्रदर्शनियाँ आयोजित की हैं, तथा इन प्रदर्शनियों के माध्यम से न केवल भारतीय कला को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, बल्कि हस्तशिल्प के प्रति लोगों में रुचि और जागरूकता भी बढ़ी है। नमस्ते। लखनऊ में 15 तारीख से 19 तारीख तक सफेद बारादरी में सुबह 10 बजे से रात के 9:30 तक एक एग्जीबिशन लग रही है। उसका नाम है क्राफ्ट रूट्स। क्राफ्ट रूट्स एक संस्था है और ये संस्था कारीगरों के साथ काम करती है। करीबन 30,000 से ज्यादा कारीगर पूरे देश के ये संस्था के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे 18 स्टेट से 80 से ज्यादा कारीगर 80 से ज्यादा क्राफ्ट लेके आ रहे हैं और आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दिखेगा, आपको प्रोसेस भी दिखेगा कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। क्राफ्ट में टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल दोनों टाइप के क्राफ्ट है, जैसे वुडन है, स्टोन है, लेदर में है, सिरामिक है, पॉटरी है, तो वो भी है। एंड दूसरे साइड पे आप मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान से ले लो, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अलग अलग जगह से, नॉर्थ ईस्ट से अलग अलग जगह से कारीगर टेक्सटाइल भी लेके आए हैं। तो वीविंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, शिबोरी है, ऐसे हाथ भरत है, ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट एंड सर्फेसेस लेके हम आ रहे हैं। होम फर्निशिंग, होम डेकोर, एक्सेसरीज हैं, फैशन, हर टाइप के क्राफ्ट आपको मिलेंगे। 500 रुपये से लेके करीबन 3-4 लाख तक की प्रोडक्ट है। हर क्लास का बंदा आके अपने तरीके से प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसका उद्घाटन आपके यूपी के महामहिम आनंदीबेन पटेल जी हैं, डेप्यूटी सीएम केशवलाल जी हैं, हमारे उद्योग मंत्री और आपके एमएलए यहाँ के राजेश्वर सिंह जी, वो चारों यहाँ के मतलब सुबह उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम। आर्टिजन खुद यहाँ पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट बंगाल से ट्रैवल करके, गुजरात से ट्रैवल करके वो यहाँ पे आते हैं। कस्टमर के साथ उनका सीधा नाता बनता है और यहाँ पे आते हैं कस्टमर, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और वो खुद सीखते हैं कि आगे जब मैं लखनऊ आऊँ तो लखनऊ के लोगों ने मेरे पास क्या मांगा था। तो ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है। तो वही फायदा है मेन आर्टिजन का। लखनऊ एक ऐसा सिटी है जो मिक्स धर्म के साथ है और यहाँ पे मैं इतना मानूंगी ये हेरिटेज सिटी है। लखनऊ का अपना एक फ्लेवर है और मैं मानती हूँ यूपी का तो नाक लखनऊ ही है और सबसे पहले यूपी आना है तो लखनऊ ही सोच बनती है और यहाँ के लोग परचेज जो पावर है वो परचेज पावर भी लखनऊ का बहुत अच्छा है। क्राफ्ट रूट्स दोनों यूपी के कानपुर एंड लखनऊ दोनों सिटी में क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाती है। आज की संस्था है जो सालों से फील्ड में काम कर रही है, ग्रामश्री ट्रस्ट, वो हमारा ट्रस्ट है जिसके अंडर में ये क्राफ्ट रूट्स ब्रांड है। ग्रामश्री ट्रस्ट 1995 में रजिस्टर्ड हुआ, चालू हुआ, मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट के साथ रहा। काफी सारी वुमेन को, 50,000 से ज्यादा बहनों को हमने स्किल ट्रेनिंग दिया, उसमें 90% हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट में ट्रेनिंग दिया।
कच्छ में जब अर्थक्वेक आया था तब हम लोग कच्छ में बैठे एक साल, और फिर जब बैठे गांव गांव घूमे तब हमको पता चला कि क्राफ्ट सेक्टर को बहुत काम की जरूरत है, और लगा कि गांव के पास बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है बट उनके पास मार्केट नहीं है और उनको पता नहीं है कि कैसे उसको सेल करना है। तो सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस ये रहा कि हम लोग उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं, तो क्राफ्ट फूड्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे कारीगर खुद अपना, वो खुद आके रजिस्टर्ड करता है, अगर उसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो एंटरप्रेन्योर है, मतलब डिजाइन स्टूडेंट है और क्राफ्ट में बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट कंपनी है या फिर स्टार्टअप उसको चालू करना है क्राफ्ट रिलेटेड, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग बीच में रहते हैं और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं क्राफ्ट सेक्टर को उठाने की जरूरत है, तो हर टाइप के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। हम लोगों ने गुजरात में पहले समझने की कोशिश की कि एक्चुअली क्राफ्ट को क्या जरूरत है, और हमको लगा कि सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डिजाइन एंड अवेयरनेस के कैंप्स होने चाहिए, उनको सोशल मीडिया सिखाना चाहिए, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाना चाहिए। तो काफी सारी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जैसे NID है, NIFT है, SEPT है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हम लोगों ने क्राफ्ट के वर्कशॉप्स किए, आर्टिसन को लेके गए, और अभी हमारा जो फोकस है वो रहा कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट कैसे बने, हमारे कारीगरों को हम इंटरनेशनल तक कैसे लेके जाएं। तो आज हम लोगों ने ये इस टाइप के वर्कशॉप्स इस साल डिजाइन किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कारीगरों को हम ये सिखाएं कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट कैसे बन सकता है। हमारी सबसे बड़ी गैप रही है, क्योंकि इतने टाइम से मैं क्राफ्ट सेक्टर में काम कर रही हूँ, करीबन 22 से 25 साल हो गए ये फील्ड में काम करते करते, और आज ऐसा लग रहा है कि क्राफ्ट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा कारीगर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अगर उनके बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, उनके बच्चे अगर डिजाइन सीखते हैं, उनके बच्चे अगर क्वालिटी सीखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और काफी लोगों को काम मिलेगा। और हमारा ये मेन ये क्षेत्र का ये है कि गांधी जी बोलते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस, तो प्रोडक्शन बाय मासेस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यूपी का बेस्ट पार्ट ये है कि जो ODOP करके उन्होंने जो योजना लॉन्च की गवर्नमेंट ने, उस कारण से क्या हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्राफ्ट के ऊपर ध्यान गया और पूरे वर्ल्ड का ध्यान गया, ना कि खाली यूपी को। तो पता था कि यूपी के पास इतने क्राफ्ट है, बट लोगों को नहीं पता था कि यूपी के पास इतने क्राफ्ट है। हमारे जैसे कितने लोग आए जो पूरे वर्ल्ड से ट्रैवल करके, पहले खाली बनारस तक हम पहुंचते थे और बनारस का वीविंग देखते थे, बट हम लोग हरदोई नहीं गए, हम लोग भदोई नहीं गए, आप समझ रहे हो। तो अभी मैं मानती हूँ कि गांव गांव तक हम लोग घूम रहे हैं कि यूपी के पास इतने क्राफ्ट है। गवर्नमेंट जब इनिशिएट करता है और गवर्नमेंट जब उसके ऊपर फोकस करता है, उसका स्केल बढ़ जाता है। नहीं, काफी चीजें जुड़ गई है अभी तो, और जो नए क्षेत्र बढ़े हैं, मतलब इस साल के जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें काफी चीजें स्किल इंडिया के साथ, इवन स्टार्टअप इंडिया के साथ, क्राफ्ट के सेक्टर को भी अब वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं। जी, हमारे कारीगर जितनी भी प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर घर में क्राफ्ट पहुंचे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, एक आई होनी चाहिए। बहुत कम 50 रुपए के भी प्रोडक्ट है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि घर घर क्राफ्ट पहुंचे, हर घर में एक क्राफ्ट हो, इतना हम लोग चाहते हैं। जो भी बहने कपड़े पहनती है, हर लड़की हर विमेन ये कपड़े पहने, क्योंकि हमारा क्राफ्ट ही है, हमारी वीविंग ही है जिस कारण से हम सुंदर दिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको हर प्रकार की चीजें यहाँ पे मिलेंगी। लखनऊ वासी क्राफ्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यूपी में रहते हैं। लखनवी जो क्राफ्ट है वो यहाँ का है, चिकनकारी यहाँ का क्राफ्ट है, तो लोग जानते ही हैं कि क्राफ्ट क्या है। मैं मानती हूँ कि यहाँ के लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, स्पेशली बच्चों को लेके आए, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को बोलूंगी कि स्टूडेंट्स को लेके आए, जिससे उनको पता चले कि अपने देश की धरोहर क्या है, अपने देश की विरासत क्या है।